फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज दोस्तों हम छोले चाट बनाने वाले हैं, और उससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। छोले चाट बनाना घर पर बहुत ही आसान है, आप मेरी वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने दो टमाटर लिए हैं, दो प्याज और दो आलू। इन आलुओं को मैं एक पानी में कुकर में सीटी लगा लूँगी और इनको मैं छील कर कट कर लूँगी, टमाटरों को भी और प्याज को भी। और जो मैंने छोले लिए हैं उनको भी मैं पानी डालकर चार से पांच सीटियाँ लगा लूँगी। मैंने वो पूरी रात भिगो कर रखे थे, इसलिए अब मैं उन्हें सीटी लगा लूँगी। एक चार से पांच मैंने सीटियाँ इसमें लगा ली है, ये देखिए। ये हमने इस तरह से ही रखना है, ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो ये सभी फूट जाएंगे। अब मैं इसमें आलू, जो मैंने आलू भी उबाला है, वे मैंने इस तरह से चाकू से कट कर लिए हैं और इसके अंदर इसमें डाल दूंगी। टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, टमाटर भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं प्याज मैंने कट कर लिया है, प्याज को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया है इस तरह से, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने दही है इसके अंदर मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसको फेंट लिया था, और इन्हें और हरे धनिए से काला नमक और मिर्ची डालकर, हरी मिर्ची डाली है इसमें, उसकी बनाई है ये। थोड़ा मैंने इसमें दही भी डाल, नमक हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और अब थोड़ा सा हरा धनिया भी हम ऐड करेंगे। ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा अमचूर हम डालेंगे इसके अंदर, जिससे ये थोड़ा चटपटा हो जाए। और अब हम इस पे नींबू डाल देंगे। ये नींबू ले लिया है मैंने, इस नींबू को भी मैं इसके में डाल दूंगी। पूरा एक नींबू मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ताकि खटास अच्छे से आए। ये फ्रेंड्स, इमली है, मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और इसका बीज भी निकाल लिया था। हम इसको डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए। अब ये हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये साल्ट भी डालेंगे इसमें, और थोड़ी रेड चिली भी डालूंगी मैं इसके अंदर। अब इसको मिक्स करना है। इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और बना के देखना, और मुझे बताना आपको कैसी लगी। टमाटो सॉस भी डाल सकते हो, मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी। ये देखिए, है ना बिल्कुल बाजार जैसी चाट। इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर और नींबू इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा अमचूर नमक और अमचूर पाउडर इस तरह से, थोड़ा प्याज और हरा धनिया। और ये प्याज है, इसको भी मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। अभी हम इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे, जिससे ये देखने में और टेस्टी लगती है। देखिए ये कितनी लाजवाब लग रही है। आप अगर इसे घर पे बनाओगे तो मार्केट की चाट भी भूल जाओ।